हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलते हैं भाई, लास्ट टॉपिक में हमने आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है ना और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये सब क्लियर कर दिए थे। आज हम आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यानी कि WCR इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। इसमें जब पार्टनर एक एडमिशन होता है तो वैसे जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड होता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है फुल पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में, राइट। अब ये आखिर पहले तो हम ये समझते हैं कि ये होता क्या है ना, फंड है। देखो, एक जैसे फर्म होती है, फर्म में वर्कर्स काम करते हैं ना, तो जैसे जो कुछ भी है, कोई भी इंसिडेंस है, ये मतलब होते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। जैसे माना कोई भी एक्सीडेंट हो गया, कोई डैमेज हो गया है ना, मिसफॉर्च्यून समथिंग, कुछ ना कुछ सर्कमटेंसेस टाइप की आती रहती हैं, तो ये उनके साथ ऐसा हो जाता है वर्कर के साथ, तो कंपनसेट कौन करेगा? डेफिनेटली फर्म करेगी, उसके लिए कंपनसेट करेगी नहीं करेगी अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो फर्म क्या होता है कि शुरू से इसके लिए कुछ एक अपना अरेंजमेंट करके रखती है, तो वो एक फ़ंड बना के या रिज़र्व बना के रखती है, उसको कहते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व कहते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा अमाउंट उसमें वो अपना अपना इकट्ठा होता रहता है, और अगर ऐसा कुछ होता है तो उसमें से उठा करके वर्कमैन का यहाँ पर कंपनसेट कर दिया जाता है, तो बर्डन नहीं पड़ता है। समझ गए मेरी सिंपल सी एक लैंग्वेज में? हम जितना हो सकता है देखो आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करते हैं, राइट। ये हो जाता है, देखो अब जैसे क्लेम है, माना जैसे हमारा 10,000 रुपये का हमारे पास इकट्ठा हुआ है, और क्लेम हम जैसे वर्कर का साथ कुछ भी ऐसी कुछ हो जाता है और क्लेम हुआ माना 5,000 का, तो इसका मतलब सीधे सीधे 5,000 रुपीज़ बच जाते हैं, तो वो लोग पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, समझ गए। लेकिन अगर क्लेम ज़्यादा हो जाता है, फंड सिर्फ रिजर्व माना हमारे पास 10,000 का था, क्लेम हमारा ज़्यादा हो जाता है 11,000 का हो जाता है, तो 1,000 रुपीज़ का जो एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है वो भी पार्टनर्स बियर करते हैं, समझ गए है ना। तो बस यही होता है हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्वेश्चन आएगा आपका है ना, क्वेश्चन में तो सब कुछ गिवन होगा, उसके अकॉर्डिंग बस आपको छोटी छोटी सी एंट्री जैसे पास करनी होगी। देखो क्वेश्चन में अगर दे रखा है क्लेम कुछ भी नहीं है, नहीं कोई भी क्लेम है, तो सीधे सीधे कुछ भी नहीं करेंगे आप WCR को ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जब एक पार्टनर, एक कोई भी नया पार्टनर आपके यहाँ एडमिट होता है, तब हम ये काम कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को है ना। हम पूरा का पूरा एक बार ना फ्लैशबैक कर देते हैं आपको, पीछे जो हम क्या सिखाते चले आ रहे हैं यहाँ तक है ना। हम इस टाइम एडमिशन बता रहे हैं, एडमिशन में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इसका ट्रीटमेंट आज सिखा रहे हैं आपको, राइट। तो जब एक पार्टनर एडमिट होगा, तब अगर कोई भी क्लेम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना WCR आपको दे रखा होगा क्वेश्चन में, आप वो सारा का सारा ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। चलो, अगर क्लेम होता है, देखा हमने, अगर क्लेम हुआ है कुछ भी, WC एग्जिस्ट है, क्लेम हो रहा है, तो और क्या हुआ, इफ़ द क्लेम इज़ लेस देन द अमाउंट ऑफ WCR, अगर क्लेम कम है, जैसे हमने बताया था कि मैंने 10,000 का है, क्लेम खाली 5,000 रुपये का हुआ, तो क्या सबसे पहले क्या करेंगे हम, WCR टू प्रोविजन फॉर WCC है ना, उतने में से उतना ही उनको कर दिया जाएगा, या 5,000 रुपीज़ या 5,000 रुपीज़ रिमेनिंग अमाउंट, समझ गए। ये तो हमारा WCR तो आ जाएगा हमारा कितने का पूरा हो गया, हमारा यहाँ पर माना हम इसको सॉल्व कर देते 10,000 रुपीज़ का, ये आ जाएगा हमारा 5,000 रुपीज़ का, तो क्लेम बन ही गया हमारा, क्लेम बन गया है ना, और बाकी के 5,000 रुपीज़ को ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट भी कर देंगे, क्लियर है ना। अगर कम होता है तो ठीक है, नेक्स्ट में लिखा इक्वल है, माना हमारे 10,000 रुपीज़ का रिजर्व 10,000 रुपीज़ के हुए, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं, WCR टू प्रोविजन फॉर WCC वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। सी का क्या मतलब है, सी का क्या मतलब है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, सही। अच्छा, इफ द अमाउंट इज मोर देन, अगर ज़्यादा हो जाता है 10,000 रुपये से भी ज़्यादा हो जाता है, तो क्या होगा, जैसे प्रोविजन फॉर क्लेम, माना क्लेम हो गया हमारा 12,000 रुपये का, WCR हमारे पास 10,000 रुपीज़ का था, बाकी सारा हम किस में डालना पड़ेगा, हमको रिवैल्यूएशन में डालना पड़ेगा, लॉस हो रहा है ना, और ये रिवैल्यूएशन का कहाँ पे डल जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में, कैपिटल या करंट अकाउंट में उनको डाला जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये हो जाता है आपका WCR का ट्रीटमेंट, सिंपल सा। जैसे हम एक क्वेश्चन भी ले लेते हैं और हाथों हाथ एक क्वेश्चन भी कर देते हैं आपको, जैसे माना उन्होंने एक उसमें दे रखा है एंट्री, सीधे बता देते हैं हम आपको, जैसे ये देता है, एक छोटा सा क्वेश्चन भी नोट कर लेते हैं तब आपको बता देते हैं। जैसे उन्होंने एक छोटी सी बैलेंस शीट दे रखी है, उसमें WCF दे रखा है उन्होंने, WCF बैलेंस शीट में दे रखा है 1,500 रुपीज़ का, माना
फंड तो इधर ही आते हैं लायबिलिटीज़ में, ठीक है। और जो इसमें पार्टनर्स हैं वो उनका रेशियो है 5:3:2 का। चलते हैं आगे। अच्छा अब क्या होगा, अगर फर्स्ट जैसे पॉइंट आ जाता है इफ देर इज़ नो अदर इन्फॉर्मेशन, माने इसके लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, यानी कि नो क्लेम, कोई भी क्लेम ही नहीं हुआ है, तो फिर सबसे पहले हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, डब्ल्यू सी एफ टू पार्टनर्स, टू ए टू बी टू सी इज कैपिटल, इनके रेशियो में, ठीक है, 5:3:2 के रेशियो में इसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आता जा रहा है हमारा आंसर 750 और 450 देन 300, हमने पूरा का पूरा इन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, कोई क्लेम ही नहीं था, हमें डिस्ट्रीब्यूट करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब दूसरा आता है कि वर्कमैन कंपनसेशन जो फंड जो क्लेम हुआ, क्लेम हो गया, अब यहाँ पर क्लेम सेकंड पॉइंट में क्लेम हुआ है हमारा 1800 रुपीज़ का, है ना। एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी डब्ल्यू सी एफ तो रहेगा ही रहेगा, ये कितने का है हमारा डब्ल्यू सी एफ, सिर्फ 1500 रुपीज़ का है, ठीक है। अब छोड़ दो उनको, टू ये जो हमारा जो क्लेम था प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, पूरा लिखा जाता है ना, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ये कितने का हो गया हमारा 1800 रुपीज़ का, तो ये 300 रुपीज़ है, ये किस कहाँ जाएंगे, तीनों पार्टनर में जाएंगे, उनके रेशियो में टू ए बी एंड सी कैपिटल अकाउंट में, कितने रुपीज़, 300 रुपीज़ उनके रेशियो में, 150 90 और एक और आ जाता है यहाँ पर 60 रुपीज़, क्लियर। ये हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरा एक और पॉइंट आ जाता है, जब क्लेम हुआ है सिर्फ 300 रुपीज़ का, जब क्लेम हुआ है सिर्फ 300 रुपीज़ का, ठीक है, फिर बनाएंगे एंट्री डब्ल्यू सी एफ पूरा का पूरा 1500 से, टू प्रोविज़न फॉर क्लेम कितने रुपीज़ का है, 300 रुपये का, बाकी सारा जितना भी हमारा इतना बड़ा सारा जो प्रॉफिट हो गया है वो तीनों में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, टू ए टू बी और टू सी, कितने प्रॉफिट हो गया हमें 1200 रुपये का, 1200 रुपये हमारा बार तो वही 600 रुपये, 360 रुपीज़ और 240 रुपीज़ हो गया भाई फिनिश। जब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो फिर हमारी बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाता है, क्लियर है मेरी बात, है ना। चलते हैं हम आगे, अब हम चलते हैं यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये भी बिल्कुल ऐसे ही होता है, इसको IFR कहते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्या होता है, देखो इन्वेस्टमेंट्स करती है ना कंपनी कोई भी, है ना, तो उसके रेट में कभी भी अप्स एंड डाउन्स यहाँ होते रहते हैं, ठीक है। बस हमको वही देखना है कि कितना ये हमारा प्रॉफिट है, लॉस हुआ है, क्या हुआ है, बस हमको वो सारा इसमें यहाँ पे चेक करना होता है, ठीक है ना। डिक्रीज हो रही है, अब जैसे ये व्हेन बुक वैल्यू एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेम, अब जो इन्वेस्टमेंट हमारे पास है उसकी बुक वैल्यू और जो मार्केट वैल्यू बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन हमने रिजर्व बना के रखा हुआ है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जब हमें कोई लॉस या प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है तो पूरा पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ठीक है। अब क्या आता है, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू कम हो गई बुक वैल्यू से, तो ये फॉल हो गया ना, वैल्यू फॉल हो रही है ना, ये तीन तरीके से हो सकता है। क्या करेंगे हम, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू इन्वेस्टमेंट और जो बचेगा अमाउंट उसे ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, समझ गए। फिर आ जाता है, अगर ये जो वैल्यू गिरी हुई है वो इक्वल है IFR के, तो IFR टू इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, और अगर ज़्यादा हो जाती है तो ज़्यादा होते तो सेम W उसकी जैसा ट्रीटमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व रिवैल्यूएशन में ट्रांसफ़र करो और टू इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। और जितना भी हम रिवॉल्यूशन में ट्रांसफ़र करते हैं ओल्ड पार्टनर्स में डाल करके टू रिवॉल्यूशन कर देंगे, फिनिश हो जाएगा, सही है। और एक और इसमें आ जाता है, ये एक और पॉइंट आया था, व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर बढ़ जाता है हमारा मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट, है ना, तो IFR टू ओल्ड पार्टनर्स, इन्वेस्टमेंट टू रिवॉल्यूशन और रिवॉल्यूशन टू ओल्ड पार्टनर्स, इतनी बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन कर देंगे, चिंता ना करो, ये क्या हो रहा है हम पूरा क्वेश्चन करके दिखाएंगे, देखो इसको एक सिंपल से क्वेश्चन उसमें लिख लेंगे हम, जैसे हमने ये समझाया था ऐसे ही हम बता देंगे पूरा, आपको करके एक छोटा सा क्वेश्चन लिख देते हैं, बता देंगे सारा का सारा। देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, एक बैलेंस शीट बना रहे हैं हम, ठीक है ना, हाँ
छोटी सी बना दी। ये कितने का हमारा 3500, छोटे छोटे अमाउंट ले लो, हमें भी कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होगी। और इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितने, ये ऐसे ही आएगा डबल साइड में, ठीक है, उसकी कॉस्ट बता रखी है उन्होंने कितनी की, 50,000 रुपये की। चलो अब हम बनते हैं अपना पहला पॉइंट, वही जब कोई कोई भी किसी भी तरीके कोई चेंज ही नहीं है, फर्स्ट पॉइंट नो चेंज है ना, कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो या कोई चेंज ही नहीं हो, तो हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे क्योंकि इसमें सर थोड़ी सी सिचुएशन ज़्यादा बताएंगे हम उसमें, ठीक है। जब कोई भी मतलब कैसी भी हमको दे ही नहीं रखा इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो हम क्या करेंगे नो चेंज में, या तो हम पूरा का पूरा ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 3500 रुपये का दे रखा है ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, या फिर इसकी एंट्री ही पास ना करें, या हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं दूसरे पॉइंट पर, जब मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कितने की होगी, 47,000 रुपीज़ की, समझ रहे हैं आप, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कितनी हो गई, 47,000 रुपीज़ की। हमारे पास कितना है, 50,000, वो कितने की गई, 47,000 रुपीज़ की। कितने का लॉस है, फंड कितने का बना हुआ है, 3500 रुपये का, इसका मतलब लॉस कितना हुआ एक्चुअल में, एक्चुअल में कितना हुआ है, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कितनी हो गई हमारी 47,000 की, तो हमारा एक्चुअल में कितना रह गया, सिर्फ हमारा रह गया 500 रुपीज़ का, ठीक है। ये पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, टू ए, टू बी और टू सी, इस तरीके से कैलकुलेट करके 500 रुपीज़ को सिर्फ उनके पुराने रेशियो में, 250, 150, देन 100, 500, ठीक है। एक और रहता है मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की ज़्यादा हो जाए, अगर 52,000 हो जाए, कितनी हो गई ज़्यादा, 2,000 रुपये ज़्यादा हो गई है ना, 2,000 रुपये तो हमारा ये प्रॉफिट हो गया, और 3,500 का ये था ही हमारे पास, टोटल कितना हो गया हमारे पास, यहाँ पर ये हो गया हमारा 5,500, जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। लिखेंगे हम IFF2A2B2C, बांट दिया हमने, कितना बांटना है अब की बार हमें, 5,500, ठीक है। ये तीनों के रेशियो में 2,2750, 1,650 और 1,100, ठीक है। जैसे इसमें हमने किया था 3,000 ही तो था, तो हमारा इसका मतलब हमारे पास रिजर्व कितना का था, 3,500 रुपये का, मतलब 500 रुपये बचे थे हमारे पास, 500 रुपये को हमने बांट दिया था तीनों में, ठीक है। यहाँ पर कितने होगा हमारे पास रुपये, 5,500 को तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सही है। अच्छा अब देखो मार्केट वैल्यू, और नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की हमारे पास कितनी है, पूरी 50,000, माने 50,000 रुपीज़ का ही तो है, और मार्केट वैल्यू भी 50,000 रुपीज़ की ही आ गई, मतलब कोई चेंजेस नहीं हुए किसी तरीके से, तो इसका मतलब पूरा फंड हमारा कितने का है, हमारे पास 3,500 रुपीज़ का, इसमें कोई चेंजेस नहीं, तो पूरा का पूरा फंड एज इट इज़ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बी और टू सी, ठीक है। पूरे का पूरा फंड हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 1,750, 1,050 और 700 रुपीज़, क्योंकि मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की और वो उसकी जो जो हमारी कॉस्ट थी वो बिल्कुल सेम टू सेम थी, कोई चेंजेस नहीं थे, तो हमें फंड का कोई यूज़ नहीं, तो फंड को क्या करें, हम डिस्ट्रीब्यूट कर लो, ठीक है। और ओवर आ जाता है पॉइंट एक और, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कितनी हो गई, 45,000 रुपीज़, फिर समझो मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कितनी हो गई, 45,000, देखो इस पर है कितनी, 50,000, लॉस कितने का हो रहा है हमको, 5,000 का, 5,000 के लिए हमारे पास व्यवस्था 3,500 रुपये की तो है, तो एक्चुअल लॉस कितना रह गया हमारा खाली का, सिर्फ 1,500 रुपये का। इस 1,500 रुपये की व्यवस्था कौन करेगा, तीनों पार्टनर कर लेकर के आएंगे, अब वो लोग लेकर के आएंगे, यानी कि लॉस है उनका, इसलिए पार्टनर्स के अकाउंट में यहाँ पर क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा, ए बी देन सी, इज कैपिटल टू वही इन्वेस्टमेंट IFF, ऐसे देख लेते हैं, ठीक है। कितना रह गया था हमारा, 1,500 रुपीज़ का, राइट। अभी तो हम पूरा भी शो कर देंगे आपको, 750, देन 500, देन 250 हो गया, देखो इतनी बात मेरी समझ आ रही है आप लोगों को,
ठीक है, जो जितना रह जाता है, जो एक्स्ट्रा होता है ना, जो लॉस एक्स्ट्रा होता है सिर्फ वो ही पार्टनर्स बियर करेंगे। ठीक है, फंड की व्यवस्था की, तो पहले हम फंड को चेक करेंगे कि अगर फंड है तो फिर हम क्यों उसमें से निकालेंगे अननेसेसरी का। अगर फंड की व्यवस्था नहीं हो पा रही तो ठीक है, फिर उसमें से फिर हम पार्टनर से ले लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? इसको दो एक बार देख लेंगे आप वीडियो को बार बार, तो इतनी बात क्लियर हो जाएगी मेरी। ठीक है, टू एज कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीस कैपिटल, टू आई एफ 750, 6500, टू 50, 1500 हो गया। ये आपका ट्रीटमेंट हो जाता है हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का, जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पार्टनर के एडमिशन पर। ठीक है, हो गया, चलते हैं भाई। एक आपको पूरा क्वेश्चन हम करवा दें अब एडमिशन का, क्योंकि अब एडमिशन यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलो एडमिशन के हमने एक छोटा सा क्वेश्चन नोट करके लिखा हुआ है, आप उसके स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा चाहे वैसा कर लो आप। हम पढ़ रहे हैं आपको, देखो ए और बी दो पार्टनर है, 3:4 और 1:4 का रेशियो है, संडे क्रेडिटर्स, रिजर्व फंड, कैपिटल दे रखी है ए और बी की, उसके बाद कैश एट बैंक, बी आर, डेटर्स, फिक्स्चर्स, लैंड एंड बिल्डिंग। फर्स्ट क्वेश्चन सिखा रहे हैं, इसलिए सिंपल दिया है एकदम से। सी को एडमिट किया है इन लोगों ने यहाँ पर। अच्छा, आगे चलते हैं। सी पेज करेगा 10,000 रुपीज़ कैपिटल के और 5,000 रुपीज़ गुडविल के, है ना, जो वो लोग विड्रॉ कर लेंगे, ए और बी जिसे विड्रॉ भी कर लेते हैं। आगे स्टॉक और फिक्स्चर्स को रिड्यूस करना बाय 10% से, एंड 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी क्रिएटेड ऑन द संडे डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल्स। लैंड एंड बिल्डिंग भी अप्रिशिएट बाय 20%, अ लाइबिलिटी फॉर डैमेज ऑफ ₹1,000 शुड बी क्रिएटेड, कोई बात नहीं क्रिएट कर देंगे, एन आइटम ₹650 इंक्लूड इन द संडे क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम। बढ़िया है ना, फायदा हो गया अपना, 650 रुपये संडे क्रेडिटर्स में थे, जो वो पैसे नहीं मांगेंगे, नहीं मांगेंगे कोई बात नहीं, हम क्यों देंगे फालतू फंड में, तो फायदा हो गया अपना। और क्या था यहाँ, एक एजम्पशन था जो लास्ट में लिखना था, हमने ऊपर लिख दिया, एज्यूम डेट द रेशियो बिटवीन द ए एंड बी हैज़ नॉट चेंज। ठीक है, ये हमें मान लेना है कि ए और बी के जो रेशियोज़ हैं वो हमें चेंज ही नहीं करने, नहीं चेंज करने, अच्छी बात है, खुशी हो गई हमको, तो भाई चेंज करने कराने नहीं है तो क्या मुसीबत है, कोई दिक्कत ही नहीं है कैसी भी। चलो अच्छा, चलते हैं भाई, अब हम अपना क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक है, एंट्री बनाएंगे सबसे पहले तो भाई, हमने बिल्कुल ये सोच के रख हम बैठे थे कि आज हम प्रॉपर एक क्वेश्चन आपको करा देंगे यहाँ पे, है ना, उससे क्या होता है क्लियर हो जाती हैं चीज़ें। एंट्री बनाना स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले यहाँ पे, तो सबसे पहले एंट्री कौन सी बनेगी, सी के एडमिशन की, और सी अपने साथ क्या क्या चीज़ें लेकर के आएगा उसकी, उसके बाद उसका जो अमाउंट है वो हम विड्रॉ करवा देंगे यहाँ पर, उसके बाद हम रिवोल्यूशन अकाउंट भी बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन बैलेंस शीट, इतनी चीज़ें हम आपको एक साथ आज ये सिखा दें। ठीक है, चलते हैं, सबसे पहले तो हम एंट्री बनाएंगे अपनी, देखो वो क्या क्या लेके आए, कैश अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। देखो हम प्रीमियम लिखे दे रहे खाली, है ना, प्रीमियम फॉर गुडविल वुडविल हम कुछ नहीं लिखेंगे। 10,000 रुपीज़ लाया और 5,000 रुपीज़ जो कि हमारा 15,000 रुपये, सही है। अब प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है टू ए और टू बीस कैपिटल, ठीक है, उनके ओल्ड, उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो वो ये कह रहे हैं ना कि चेंज ही नहीं होने हैं, नहीं चेंज होने, तो एज इट इज़ हम कर देंगे जो उनके दिए हुए हैं, कोई टेंशन, 3:4 तो 1:4 दे रखा, तो 3:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, वैसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है, पर हमें चेंज नहीं करना है ना इसमें, इसलिए ये आ गया हमारा 5,000 रुपये। ठीक है, अच्छा, और हाफ इसकी अमाउंट विड्रॉ करनी है, एंड हाफ इज विड्रॉ, हाफ मतलब सिर्फ 2,500 रुपये। ठीक है, तो एज कैपिटल, अपोजिट एंट्री बन जाएंगी, एज कैपिटल, बीस कैपिटल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, जो प्रीमियम तो आएगा नहीं, उसमें कैश ही लिखेंगे, गुडविल तो कैश में ही लेकर के जाएंगे, है ना, टू कैश 2,500 रुपये को वो लेकर के चले गए। कितना हो गया हमारा यहाँ पर, ये 1,875 और आ जाता है ये 625। इतना तो काम इसका ख़त्म हुआ,
अब आ जाती है रिवॉल्यूशन की एंट्रीज। रिवॉल्यूशन की एंट्रीज मतलब हम एक साथ एंट्री देखो बच्चे पास करते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले हमें जैसे हम लिखेंगे यहाँ पर रिवॉल्यूशन अकाउंट, और जितने भी लॉसेस होंगे वो सारे इकट्ठे लिख डालो। अब लॉसेस हमें इकट्ठे कैसे लिखने होते हैं, देखो स्टॉक एंड फर्नीचर रिड्यूस करना है, इसका मतलब कम हो रहा है। एक डाउटफुल डेट्स भी हमको क्रिएट करना है, इसका मतलब ये भी वो भी ये भी हमारा लॉस हो रहा है ना। डिस रिसीवेबल पे भी आ रहा है, ठीक है। और ये तो लैंड बिल्डिंग अप्रिशिएट हो रही है, लाइबिलिटी हमारी 1000 रुपीज़ की क्रिएट हो रही है, ये भी हमारा बन गया एक और, ठीक है। तो इतनी हमारी ये लॉस हो गई, ये लॉस हम इकट्ठे लिख देते हैं सारे के सारे, इसमें हम चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब एसेट्स वाले सारे, तो सबसे पहले तो आ जाता है हमारा फिक्स्चर का, उसके बाद आ जाता है हमारा स्टॉक का, फिर आ जाता है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, बीडी लिख देते हैं बैड डेट्स, है ना। और आ जाता है हमारा इसमें वो बिल्स रिसीवेबल, और आ जाते हैं वो भी हो गए हमारे जो भी बैड हो गए हैं, ठीक है। जो भी अब जैसे भी इन्होंने ये 10% से स्टॉक और फिक्स्चर को करना है, स्टॉक हमारा कितने का है चेक करेंगे हम। स्टॉक एंड फिक्स्चर्स, फिक्स्चर आए 1000 रुपीज़ के, 1000 रुपीज़ को 10% से करना है, लिख दो 100 रुपीज़ को, ठीक है। अच्छा और क्या चीज़ थी हमारी, और हमारा था इसमें कैश एट बैंक, डेटर्स, बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग, कैश एट बैंक। अच्छा हमने स्टॉक का अमाउंट इसमें लिखना ही भूल गए हैं हम इसमें ढूंढ रहे हैं। स्टॉक है यहाँ पर 20,000 रुपीज़ का, ठीक है। 20,000 रुपीज़ को 10% से रिड्यूस कर दो, स्टॉक आ गया हमारा 2,000 रुपीज़ का, ठीक है। और डेटर्स हमारे पास कितने हैं, 16,000 के, 16,000 पर 5% का लगा देंगे, ठीक है। 16 × 5 = 80 मैंने 800 रुपीज़ का ये आ गया हमारा। और बिल्स रिसीवेबल भी हमारे कम हो रहे हैं, बिल्स रिसीवेबल हैं हमारे पास 3000 के, 3000 का 5% भी इन पे भी लगा देंगे हम, तो ये आ जाएंगे हमारे 150 रुपीज़ के। ये हमारे लॉसेज है एसेट साइड के, 3050 के बन गया। अब चलते हैं एक लाइबिलिटी और 1000 रुपीज़ की करके ये हमारी क्रिएट हुई है लॉस, ये भी है पर इसकी एंट्री सेपरेट बनेगी क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी है। रिवैल्यूएशन टू यहाँ पर लिख देंगे हमारी प्रोविजन फॉर कंटिजेंट लाइबिलिटी, इसको कंटिजेंट लाइबिलिटी कहा जाता है ना इसलिए 1000 रुपीज़ की, ओके। चलते हैं नेक्स्ट, एक साइड का काम तो फिनिश हो गया। अब हम ये देखते हैं यहाँ पर अब हमारी चीज़ें बढ़ी हैं भाई, तो ये लैंड एंड बिल्डिंग आया है, एक कितना आया है लैंड बिल्डिंग में 20% से अप्रिशिएट कर दो लैंड बिल्डिंग को। लैंड बिल्डिंग है 25,000 रुपये की, 25,000 का 20% बढ़ा दो, इट मीन्स 5,000 रुपीज़ की तो लैंड बिल्डिंग बढ़ा देंगे हमको। बहुत सिंपल है, कुछ है थोड़ी है, सही है। और फिर एक क्रेडिटर्स हैं जो हमसे पैसे ही नहीं मांगेंगे, तो फिर हमें फ़ायदा हो गया। यहाँ पर लिखेंगे हम सन्डी क्रेडिटर्स टू रिवैल्यूएशन, एक साथ ही बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो तो नरेशन में लिख जाएगा ना कितने का, 650 का, ओके। बस इतना करने के बाद हमको यहाँ पर एंट्री को अभी अधूरा छोड़ना होगा, है ना, क्योंकि हमको इसके लिए अब पहले रिवॉल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, टू साइड और बाय साइड करके जितनी भी चीज़ें हमने नोट की हैं। तब हमको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हमारा रिवॉल्यूशन अकाउंट में लॉस आ रहा है या फिर हमारा प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। लॉस या प्रॉफिट आने के बाद में हम इसकी यहाँ पर एंट्री प्रिपेयर करेंगे। क्लियर है मेरी बात इतनी, चलते हैं अब हम पहले सबसे पहले रिवॉल्यूशन अकाउंट बना लेते हैं। नेक्स्ट किसी भी पेज पर एक रिवॉल्यूशन अकाउंट हम बनाएंगे यहाँ पर अपना, चलते हैं, है ना। बस उसके बाद इसमें दो एंट्री और पास कर देंगे, हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। हम रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाते हैं, देखो एक क्वेश्चन समझ लोगे ना तो दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पर आपको बिल्कुल भी, और है कुछ नहीं है। टू साइड पे सारे खर्चे होते हैं, आपको बताया हमने पहले भी बताया था। अगर सिंपल शॉर्ट फॉर्म में बनाना है तो यहाँ सब जितने भी खर्चे हैं वो सब लिख डालो। फिक्स्चर आया था, स्टॉक आया था, है ना, बैड डेट्स आए थे, और क्या था, बीआर वाला बैड डेट्स आया था, है ना। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, देखो प्रॉब्लम, हाँ ये ना कहना कि मैम ने तो ऐसा लिख दिया था, हम भी ऐसे लिख डालेंगे, ठीक है।
और एक कंटिजेंट लाइबिलिटी भी थी यहाँ पर। चलो अब इन सब का हम क्या लिखेंगे, अभी इन सब का आप लिख दो यहाँ पर अमाउंट। तो फिक्सर कितने का था यहाँ पर, फिक्सर था हमारा यहाँ पर 100 रुपीज़ का, स्टॉक हमारा 2000 रुपीज़ का, ये 800, ये 150 और आ जाता है ये 1000 रुपीज़ का। और यहाँ पर बाय साइड पे हमारा ये तो लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हुआ था 5000 रुपीज़ से, और क्या आया था यहाँ पर एक क्रेडिटर्स थे जो हमसे रुपये नहीं मांग रहे हैं, तो फ़ायदा हो गया हमको, तो भाई ये आ गया हमारा 650 रुपीज़ का। ठीक है, हमको नहीं लगता कि इसके अलावा तो और कोई भी चीज़ नहीं थी, तो अब हमारा बस हम बैलेंस निकाल लेंगे और ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इधर ऑब्वियस बात है, इधर ये वाला बैलेंस हमारा ज़्यादा हो रहा है, ये आ रहा है 5650 का, तो बस इस बैलेंस निकाल लेंगे और उसको ऐसे लिखते हैं टू ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू, हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, शॉर्ट में लिख रहे हैं प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू एस कैपिटल ना, और टू बीस कैपिटल उनके पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे सी का कोई काम नहीं है क्योंकि सी तो अभी आया है, सही 5650 बन गया रिवेल्यूशन अकाउंट, कोई प्रॉब्लम नहीं कैसे भी, सही है। चल अब हम बनाते हैं यहाँ पे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, नहीं बना लेते हैं एक साथ ही बनाना सबके, है ना, जैसे तीन पार्टनर थे, हम तीनों पार्टनर का एक साथ बनाना बता दे रहे हैं आपको, इकट्ठा ही बनाएंगे हम। देखो तीन पार्टनर है, इसमें क्या है, एक दो तीन हो गए क्रेडिट साइड के, एक तीन वो तीन ही क्रेडिट साइड के बनाओ, तीन ही डेबिट साइड के बना लो, ऐसे कॉलम हो गया। ये यहाँ पे लिखो ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। बाय साइड से स्टार्ट करेंगे, बाय बैलेंस ठीक है ना, बाय बैलेंस बी डी लिख देंगे इसको हम, तो माने इनके जितनी जितनी कैपिटल है आप पहले वो लिखेंगे यहाँ पर, वो आपको उसमें गिवन थी बैलेंस शीट में, इसकी 30,000 की थी, इसकी 16,000 की थी, है ना, राइट। और ये कैश में बाय कैश, इसको इसका तो बैलेंस था नहीं, ये तो कैश में लेकर के आया था, सी कितना लेकर के आया था, ये 10,000 रुपीज़ का, है ना, 10,000 रुपीज़ ये लिख दो, हो गया। अब ये जो दोनों आए हैं प्रॉफिट इनके, इसमें ट्रांसफ़र कर दो बाय रिवैल्यूएशन, कितना हो गया 1200 रुपये का, और ये हो गया इसका 400 रुपये का, सही है। अच्छा, और हमने जो प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट किया था इनके यहाँ किया था प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद आया था ये, इसके में आया था 3750 और ये आया था 1250, सही है। अच्छा, और वो और दे रखे हैं रिजर्व्स क्वेश्चन में, तो रिजर्व फंड और डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं हमेशा ही, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं, हमने पे एंट्री नहीं बनाई, हम एंट्री बना देंगे उसकी। ये हो गया, ये क्वेश्चन में गिवन है रिजर्व फंड, देख दिखा दें, ये रहे हैं रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट 4000 रुपीज़ के, तो ये ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं, इस तरीके से आ जाते हैं यहाँ पर, हो गया, क्लियर है मेरी बात इतनी, अब तो कुछ नहीं रह गया। चलो अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ पर टू कैश, कौन सा कैश है जो वो लोग विड्रॉ करके ले गए थे, इसके प्रीमियम के अमाउंट लेके गए थे निकाल निकाल के, अगर ये नहीं निकाल के ले जाते तो ये वाला आइटम कुछ आता ही नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं आता, बिल्कुल सिंपल हो जाता हमारा क्वेश्चन, ये इसका आ गया था 625, बस कुछ नहीं रह गया, टू बैलेंस निकाल दो, ये बैलेंसेस आ जाएंगे। अच्छा, सी किया हमको प्रीमियम का अमाउंट हमने शो क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं क्यों शो किया कि बुलाया डिस्ट्रीब्यूट हो गया निकल भी गया सब आइटम, तो हमें कुछ शो करने की ऐसी कोई नीड नहीं थी यहाँ पर, इसलिए हमने नहीं किया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आगे नहीं आई मेरी, ठीक है चलते हैं हम आगे भाई। सही है, नहीं तो शो भी कर देते, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। अब हम इसका बैलेंस और निकाल दें, तो ये बैलेंस आ रहा है, और ये 10,000 का रह गया। ठीक है, टोटल लग जाएंगे ये जो सारे जितने भी टोटल हैं, ये हम बता देते हैं फिर भी कितना आ रहा है इसमें से, और इसको लेस कर दोगे ये आइटम आ जाएगा, है ना, और इसमें से इसको लेस कर दोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, और ये तो पूरा का पूरा 10,000 है, बन गया।
बस अब लास्ट एक और चीज़ बहुत जल्दी से हम बनाएंगे आपकी यहाँ पे एक नई रिवाइज्ड बैलेंस शीट, ठीक है। अब बैलेंस शीट के लिए हम अपना ये सामने रखेंगे, बस इसी के अकॉर्डिंग बनाते चले जाएंगे। इसकी हम बैलेंस शीट और प्रिपेयर कर देंगे तो आपको सब क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये तो ऐसे ही है, तो सिंपल है, कुछ भी है ही नहीं। देखो कैश एट बैंक जो हमारा था पहले से वो तो 26,500 का है ही। एक और कैश इन हैंड हो गया इनके पास, कौन लेकर के आया था, लेके आया था ना ये तो अपने साथ, है ना। तो वो हमें और नोट करना है इसके अंदर, ठीक है। कितने का आया था वो इनका, 10,000 रुपये का तो वो था, और क्या लेकर के आया था अपने साथ, गुडविल की अमाउंट लेकर के आया था ना 5,000 रुपये की, जिसका आधा वो लोग निकाल के ले गए थे। इसका मतलब यहाँ पर कैश कितना हो गया हमारे पास, 12,500 रुपये का कैश हो गया, ठीक है। इतनी बात मेरी क्लियर हो या नहीं होगी, आगे चलो। आगे है हमारे बिल्स रिसीवेबल 3,000, लेस कर दो डेटर्स, लेस करने के बाद सब बैड डेट्स का अमाउंट लेस करने के बाद स्टॉक, क्योंकि रिवाइज्ड बन रही है ना, सब चेंजेस बढ़ी हुई या घटी हुई अमाउंट पर बनेगा। फिक्सचर 900 रुपीज़ का, लैंड बिल्डिंग 30,000 रुपये, टोटल लगा लेंगे हम है बड़ी हुई और घटी हुई अमाउंट पर। कैश एट बैंक हमारे पास पहले से था, कैश वो 10,000 रुपये का वो, और 5,000 रुपये की गुडविल लेके आए थे जिसमें से आधी वो निकाल के लेके चले गए थे, इसलिए हमारी कितनी गुडविल लगी, सिर्फ 12,500 रुपये की। चलो आगे चलते हैं, 12,500 रुपये गुडविल नहीं, 2,500 रुपये गुडविल लगे, 10,000 रुपये कैपिटल है। चलते हैं आगे, अब इधर साइड पर आ जाते हैं, कुछ नहीं है। पहले हमारे क्रेडिटर्स थे, क्रेडिटर्स हमारे पास थे 41,500 के, जिसमें से उन्होंने मना किया था कि 650 रुपये के क्रेडिटर्स तो मांगेंगे ही नहीं हमसे पैसे, ऐसे करके लेस करके दिखा दे रहे। ये आ गया हमारे अमाउंट, ठीक है। एक और कंटिजेंट लाइबिलिटी हो गई थी 1,000 रुपीज़ की, 1,000 रुपीज़ की, और बस अब कुछ नहीं, अब तीनों के कैपिटल शो कर दो, ए बी एंड सी। ये वो वाली अमाउंट, ये वाली अमाउंट, ये 1, 2, 3, ठीक है। ये इनकी क्या हो जाती है, कैपिटल हो जाती है, जो हमें यहाँ पे शो करनी है। तो ये हो जाती है हमारी ये आपका एडमिशन का एक कंप्लीट क्वेश्चन हो गया है। हो गया, अब समझ रहे हैं आप, अगर आपका रिवैल्यूएशन गलत तो यहाँ से ट्रांसफ़र अमाउंट यहाँ गलत, और यहाँ से अमाउंट ट्रांसफ़र होकर के यहाँ गलत, क्योंकि तो इससे आपका ये गलत हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा, तो बैलेंस शीट तो मैच होने से रही, समझ गए आप। इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट पर फोकस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट गलत नहीं होना चाहिए। चीज़ों को समझें, समझें बार बार, देखें वीडियो को बार बार, देखें समझें, नहीं समझ में आया मुझे बताएं, ये क्लियर नहीं है आपको, समझ में आ गई। चलते हैं अपनी वापस अपनी एंट्री के साथ, तो एक बस एंट्री यहाँ पर लास्ट, उसकी और ट्रांसफ़र हो जाएगी ना, बस यहाँ पर हम पहले प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर देंगे इसमें रिवैल्यूएशन, ऐसे बस हम सिंपल रिवैल्यूएशन टू ए और टू बी ये ट्रांसफ़र कर देंगे हम यहाँ पर, है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट का, और रिजर्व फंड की और एंट्री लास्ट में बना देंगे, तो आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। यहाँ लिख देंगे रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू ए और बी, क्योंकि फंड हमेशा डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। नाउ द क्वेश्चन इज कंप्लीटेड, देखें इसको, समझें, और जो भी इससे रिलेटेड क्वेरी हो वो मुझसे डेफिनेटली पूछें, बिल्कुल पूछें, मुझे बताने में बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। ओके चिल्ड्रन, गुड बाय, टेक केयर।